नमस्कार, मैं हूं अरविंद सागर। आप देख रहे हैं जनवार टाइम्स, सच के साथ एक कदम। उत्तर प्रदेश के जनपद प्रतापगढ़ में फसलों की बर्बादी से रक्त के आंसू बहा रहा किसान क्षेत्र की जनता में मची त्राही त्राही। किसानों का हाल जानने निकले विधानसभा विश्वनाथ गंज के विधायक डॉक्टर आर के वर्मा व एसडीएम सदर मोहनलाल गुप्ता मानदाता ब्लॉक मानदाता व ओलावृष्टि से क्षेत्र के कई गांव बेघर हो गए हैं। कहीं कहीं पर पशुओं के ऊपर दीवार गिरने से मृत्यु हो गई है, लेकिन क्षेत्र में प्रशासनिक अधिकारियों के दौरे से जनता में भारी उम्मीद है कि ओलावृष्टि से हुए नुकसान को सरकार संज्ञान में लेकर पीड़ितों की मदद जरूर करेगी। देखते हैं संवाददाता गुलाब चंद्र गौतम की रिपोर्ट प्रतापगढ़ से। मकान पर दो दो पेड़ गिरे हैं, तीन पेड़ गिरे। घर में रहने लायक नहीं है, मकान में कोई बाहर रात भर लोग सोए हैं, मकान में नहीं रहे। ये दीपक निर्मल का मकान है, मकान पर पेड़ गिरा हुआ है, पूरी तरह मकान क्षतिग्रस्त है। ये ग्राम सभा सरास सुजान के क्षेत्र पंचायत बीडीसी मुकेश जी हैं। मुकेश जी, बताएं आपके यहाँ ग्राम सभा में कितने क्षतिग्रस्त हुए हैं मकान और फसल तो पूरी तरह नष्ट हुई है। भैया, सरास सुजान में तबाही आ गई है, भगवान का कहर टूट गया है। यहाँ लगभग 7-8 घर गिर चुके हैं, जिसमें राम मनोहर धोबी के घर तो एकदम तहस नहस हो गया है। अब पूरे गांव में इतना तबाही आई कि आज तक हमारे आजा पुरखा भी नहीं जानते कितनी बड़ी तबाही आई थी। ऐसी तबाही भगवान पहली बार इस ग्राम सभा में दिए हैं। अच्छा, ये बताएं कि राम मनोहर इसके अलावा और मकान, इसके दीपक निर्मल और राम मनोहर के अलावा भी हमारे सरास सुजान में संतोष शर्मा हैं, उनका भी क्षतिग्रस्त हो गया है। और इस तरफ प्रजापति हैं, उनका भी घर क्षतिग्रस्त हो गया है। ऐसे कई घर हैं, एक घर नहीं कई घर हैं, जो अब धीरे धीरे पता चल रहा है किसका क्या क्या हो गया है। तो इतनी तबाही तो कभी आई ही नहीं थी। क्षतिग्रस्त मकान में लोग रात भर कहाँ थे? रात भर तो दूसरों के घर थे, दूसरों मदद भी नहीं करने को तैयार थे, इसलिए कि उनके पास कोई व्यवस्था नहीं थी कि इतना तेज पाथर गिर रहा था, वो जाने के लिए तैयार ही नहीं थे कि हम उनका मदद कर सकें। अच्छा, तो कैसे में कैसे कतरी उतरी ओढ़ करके लोग इन लोगों को बचाए और किसी दूसरे घर में उनको हाजिर करके बचाए, सुरक्षित कर। और बिजली के खम्भे वगैरह? बिजली के खम्भे तो 4-5 11,000 लाइट के जो मेन लाइन है वो टूट चुका है पूरी तरह, जिससे पूरा ग्राम सभा ही अंधेरा में रहेगा लगभग 10 दिन ऐसी व्यवस्था में। तो अच्छा, ये बताएं कुछ लोग घायल भी हुए हैं? घायल हैं 4-6 घायल हैं, महिला हैं जिसमें घायल हैं। ये हमारी दादी भी हैं, ये भी घायल हैं, इनसे पूछ लिया जाए राम मनोहर जी की। और इन लोग को रात में निकाला गया है, गांव के लोग आकर के निकाले तो इन लोग बच्ची बेचारी घर में गोरू बकरी भी बंद थे उसी में। तो आप बीडीसी बताए तो ग्राम सभा के लिए आप आगे सूचना क्या पहुंचा रहे हैं? अरे, सूचना तो ज़्यादा से ज़्यादा सोच रहे हैं पहुँचाए, हमारे गाँव की मदद मिले, यही हम करबद्ध निवेदन करते हैं। शासन प्रशासन से मिल करके कहेंगे इस चीज़ के लिए, पत्र पत्रकार बंधुओं से भी निवेदन है कि हमारी खबर काफ़ी दूर तक पहुँचाएँ, जिससे हमारे गांव का कम से कम कुछ में से कुछ उन लोगों का फायदा तो हो जाए जो गिरे पड़े हैं, उनकी दर दवाई हो जाए, खेत बारी जो गिरा है उनका मुआवजा। तो सांसद विधायक और योगी महाराज से निवेदन है कि उन
ये हमारी सूचना वहाँ तक पहुँचे और इस गांव के लिए विशेष व्यवस्था करें। ऐसी तबाही आज तक 40-42 साल उम्र हमारी है, हमारे पिताजी की 64 साल उम्र है, वो बताएगा आज तक ऐसा कुछ घटना कभी हुई नहीं। इसका मतलब है कि पूरी तरह जो है फसल नष्ट हुई है, मकान कई क्षतिग्रस्त हुए हैं और लोग घायल भी हुए हैं। हाँ, घायल भी हुए हैं। तो प्रशासन से आप मदद चाहते हैं? मदद चाहते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद बीडीसी जी। बड़ा बड़ा पाथर गिरी जो है, आधा किलो एक किलो कम ना है। ये तो पाव गिरा रहा है, 25-30 ग्राम। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।